कश्मीर में अब महिला कमांडोज की एंट्री, पत्थरबाजों पर महिला ब्रिगेड रखेगी नजर, महिला पत्थरबाजों का दम तोड़ेंगी महिला कमांडोज। सुपर 500 की टीम पत्थरबाजों का बनेगा काल, हर खतरे से निपटने को मिली है कमांडो ट्रेनिंग। कश्मीर घाटी में पत्थरबाजों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आतंकियों के हमदर्द पत्थरबाज हर बार सेना के ऑपरेशन में खलल डालने के लिए पहुंच जाते हैं। इसके अलावा कश्मीर में सुरक्षा के लिए तैनात जवानों की गाड़ी पर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी अब आम होती जा रही है। पुलिस बल और जवानों ने अब तक पत्थरबाजों से बखूबी निपटा है और आगे भी पाक प्रेमी पत्थरबाजों से निपटने के लिए सेना पूरी तरह तैयार है। हालांकि अब पत्थरबाजी की घटनाओं में महिला पत्थरबाज भी शामिल हो रही हैं। महिला युवा पत्थरबाज भी उग्र होकर हमारे जवानों को निशाना बनाती हैं, जिन्हें काबू करने में जवानों को परेशानी होती है। लेकिन कश्मीर में अब ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कश्मीर में अब महिला पत्थरबाजों को काबू में करने के लिए सीआरपीएफ की महिला कमांडोज को तैनात किए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इस काम के लिए बकायदा 500 महिलाओं को चुनकर उन्हें कड़ी ट्रेनिंग भी दी गई है। इन्हीं महिला कमांडोज का नाम रखा गया है सुपर 500। ये जंगल वॉरफेयर ट्रेनिंग है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारा जो कॉरिडोर है बहुत वाइड है, हमें LWE से लेके, श्रीनगर से लेके, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से लेके, इलेक्शन से लेके, हर तरीके की ड्यूटीज़ में कभी भी किसी भी तरीके का रोल निभाना पड़ सकता है। इसलिए इन्हें हम एक बेसिक ट्रेनिंग में कम्प्लीट पैकेज बना के उसका ट्रेन करते हैं, ताकि ये किसी भी सिचुएशन से किसी भी टाइम निपटने के लिए एकदम रेडी रहें। जिस तरीके से कैंप अपना सिक्योर कर रहे हैं जेंट्स, तो महिलाएं भी अकेले अपना कैंप सिक्योर कर रही हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि इनकी ट्रेनिंग में कुछ भी डिफरेंस है या इनकी ड्यूटी के पार्ट में कोई भी डिफरेंस है, बट ये है कि जैसे हमारे पास कोई भी नया अगर ट्रूपर आता है, कोई भी नया इंडक्ट होता है, तो उसको हम यहाँ पर श्रीनगर में 1.5 महीने की प्री इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं, जिससे वैली के सिचुएशन से निपटने के लिए वो एकदम तैयार हो जाए। मैं अगर सामने आतंकवादी तो उससे सामना करने के लिए मैं 24 घंटा हम लोग तत्पर होते हैं, उनसे हर मुकाबला को चुनौतियों को सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि देश के दूसरे राज्यों में काम करने और कश्मीर जैसे आतंकग्रस्त इलाके में काम करने में जमीन आसमान का फर्क है। यही कारण है कि इन महिला कमांडोज को पत्थरबाजों से निपटने के साथ साथ आतंकियों से निपटने की भी हर तरह की ट्रेनिंग दी गई है। कश्मीर की गलियों के साथ कश्मीर में स्थित घने जंगलों में किस तरीके से बिना रुके और बिना थके अपनी कार्रवाई को किया जाए, इसकी पूरी ट्रेनिंग दी गई है। सर, डर नहीं लगता क्योंकि हमें हार्डवर्क ट्रेनिंग दिया गया है। हमें इस तरह तैयार किया गया है कि हर तरह का ऑप्टिकल हो या कोई भी इंसिडेंट हो तो उसे मुकाबला करने के लिए। हम बाहर डिप्लोमेट जाते हैं सर ड्यूटी के लिए, तो डेली पत्थर आते हैं गाड़ी पे, लेकिन हमारे को कमांडर ब्रीफ करके ड्यूटी भेजते हैं। हम अपना इक्विपमेंट पूरा साथ लेके जाते हैं, जैसे हालात होते हैं उसी हिसाब से हम अपना पूरा ड्यूटी अपना सख्ताई से करते हैं। उसी हिसाब से हमें ड्यूटी के लिए पूरा कमांडो टीम बना के तैयार किया गया है। हमारा यहाँ पे श्रीनगर ड्यूटी आने के बाद हमारा 1 महीने की PI ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें हमारे को हर तरह की सिखलाई दी जाती है। उस सिखलाई के दौरान हम लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती, उस परेशानी का सामना हम अच्छी तरह करते हैं। इन महिला कमांडो को सबसे पहले खुद को सुरक्षित रखने का पाठ पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही पत्थरबाजों पर नियंत्रण के लिए 3 स्तर पर ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके तहत पहले समझाना, भीड़ पर काबू पाना और आखिरकार बल का प्रयोग करना शामिल है। इसके अलावा कॉम्बिंग ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे कई महत्वपूर्ण प्रशिक्षण दिया गया है। भीड़ में फंसे अपने साथी को बचाने के लिए कैसी कार्रवाई हो, उसकी भी खास ट्रेनिंग दी गई है। ये सभी महिलाएं देश के अलग अलग राज्यों से सघन ट्रेनिंग लेकर कश्मीर पहुंची और यहाँ पहुँचने के बाद उन्हें कश्मीर की स्थितियों से निपटने के लिए खास ट्रेनिंग दी गई है। अपने घर परिवार को छोड़कर आई सभी महिलाएं देश की सेवा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
सबसे पहले तो जब श्रीनगर वैली में हम डिटेल हो गए तो श्रीनगर वैली में पत्थरबाजों से निमटने के लिए सबसे पहला हमारा मकसद वही रहता है। उसके बाद महिला होने के नाते एक अधिकारी भी हैं, माँ भी हैं, बेटी भी हैं, पत्नी भी हैं, तो हमको तो हर ग्राउंड में अपनी सक्षमता दिखाना माहिर हैं हर चीज़ में, क्योंकि महिला दुर्गा भी है, काली भी है, तो हर रूप में महिला का है। इसीलिए ये महिला नारी जो दस्ता है हमारा, महिला CRPF का श्रीनगर में आने से पहले एक स्पेशल ट्रेनिंग दे के यहाँ भेजा जाता है, उसके बावजूद भी एक महीने का ट्रेनिंग RTC 4 में PI ट्रेनिंग दिया जाता है, पत्थरबाजों से विशेष महारत हासिल करती हैं। सर अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड भी फोर्स में ही है सर, CRP में ही है, हमें अच्छा लगता है, मुझे परिवार की सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड को, मेरे मुझे, हमें अच्छा लगता है, हम बाहर, मेरे पापा को अच्छा लगता था कि मेरी बेटी फोर्स में हो, और हस्बैंड भी मेरे फोर्स में ही है, हमें अच्छा लगता है सर। श्रीनगर के रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर में इन महिला फोर्स को तैयार किया जा रहा है, शरीर के साथ साथ इन महिलाओं को मानसिक रूप से भी मजबूत बनाया जा रहा है। ताकि मुसीबत के मौके पर महिला कमांडो संयम से काम ले सकें और देश विरोधी ताकतों को जवाब दे सकें। जिस तेजी से महिला कमांडोज की ट्रेनिंग चल रही है उसे देखकर तो साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में पत्थरबाजों को काबू करते हुए ये CRPF कमांडो दिखाई देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज।